नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में ख़बर दी गई थी हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के बारे में। सिर्फ ख़बर ही नहीं दी गई बल्कि जन्नती होने का जिक्र भी किया गया था। हिलियतुल औलिया जिल्द नंबर 5 में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि जिस के अंदर हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के लिहाज से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफ़ी पहले ख़बर दी और इनके जन्नती होने को बयान किया। ये सफ़ा नंबर 292 है। इसमें हज़रत राशिद उनसे ये रवायत है, काल ज़ारा उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ मौलाया कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जो हैं वो मेरे आका को मिलने आए। फलम्मा अरादर रुजुआ जब उन्होंने वापसी का इरादा किया, काल अली शय्यर तो मुझे मेरे आका ने कहा कि तुम कुछ कदम इनके साथ चलो और इनको रुख्सत कराओ। फलम्मा बरजना तो जब हम उस आबादी से निकले तो बाहर रस्ते पर जब आए, इज़न नहनु बिहैयतिन सौदा मैता तो सामने एक सांप पड़ा था जो काले रंग का था और मुर्दा था। फनाज़ला उमारो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ सवारी से उतरे, फदाफनहा उस सांप को दफन किया। फ़ैज़न हातिफ़ या खरका या खरका इन्नी समितु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूलु लिहाज़िही अल-हय्या वो सांप की शक्ल में जिन था और ये वो जिन्नों की जमात जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल किया था, 7 जिन्नों ने, उनमें से एक जिन ये था जिसके बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, लतमूतन बेफलाति मिनल अर्द तुम एक वीरान ज़मीन में फौत हो जाओगे। फरमाया जो तुम्हें दफन करने आएगा खैर अहलिल अर्द उस वक़्त रुवे ज़मीन पे सबसे अफजल होगा। तो अब ये जो आवाज़ आ रही थी जिसमें इस हदीस का जिक्र किया गया, काला सांप जिसको दफन किया गया है ये उन 7 जिन्नों में से एक जिन है जिसको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि तुम वीरान जगह पे फौत होगे और तुम्हें खैर अहलिल अर्द दफन करने के लिए उस रस्ते से गुजरेगा। जब ये अल्फाज ये रावी जिनका नाम राशिद है जो रुख्सत करने के लिए उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के साथ चल रहे थे इन्होंने सुने, फ़क़ाल नशक्तुकल्लाह इन कुन्त मिम्मन यज़हरु इल्ला ज़हरतली। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रदी अल्लाह ताला अन्हों ने या वो जो 7 राशिद थे उन्होंने कहा कि जिसकी आवाज़ आ रही है अगर इसको ज़ाहिर होने की इजाज़त है या ये उस मखलूक से है जो कि इंसानों के सामने जाहिर हो सकती है तो फिर जाहिर होकर हमारे साथ बात करो। वो जाहिर हुआ, काल आना मिन सबा अल्लज़ीना बायऊ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी हाज़ल वादी मैं उन 7 जिन्नों में से हूँ जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस वादी में इस्लाम कबूल किया था। व इन्नी समितुहु और मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद सुना था, यकूलु लिहाज़िहिल हय्या कि आपने इस सांप के बारे में हमारा जो साथी फौत हुआ है फरमाया था, लतमूतन्न बिफलाति मिनल अर्द कि तुम यूं वीराने में फौत हो जाओगे और तुम्हें दफन वो ज़ात करेगी जो उस वक्त रुवे ज़मीन में सबसे अफजल ज़ात होगी। फबका उमर तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये सुना तो रो पड़े, हत्ता कादा अन यस्कुता अर्राहिलती ही
और रोते रोते ये सूरत हाल हो गई, करीब था कि सवारी से नीचे गिर पड़े। वकाला या राशिद, अब आपने जो साथ बंदा था उसको पाबंद किया, अनशुदुकल्ला अन तुखबिरा बिहाज अहदन हत्ता युवारियनी तुराबू, कि राशिद तेरे सामने ये इंकिशाफ हो गया है तो मैं तुझे अल्लाह की कसम दे के कहता हूँ, जब तक मैं कब्र में ना चला जाऊँ तुमने ये बात किसी के सामने बयान नहीं करनी। यानी वो जो उनके अंदर इख्फा पसंदी थी, उसके लिहाज से जिसको ये सब कुछ मकाम देखने का मौका मिला, तो हज़रत राशिद जो है उन्होंने फिर हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रदी अल्लाह ताला अन्हो के वफात के बाद लोगों को बताया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है जिन्नों के बारे में, और इस तरह एक जिन के बारे में सरकार ने खबर दी थी कि खैर अहले अर्द तुझे दफन करेगा, और वो दफन किया है उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने उस जिन को। और ये भी यानी वैसे आम बंदा गुजर रहा हो तो सांप पड़ा हो तो यानी उसको दफन करने का एहतमाम, ये कोई ना शरी ड्यूटी है ना कोई ज़रूरी है, लेकिन हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ भी देखते पहचान गए, और उसके बाद फिर इस हदीस का ज़हूर हुआ और फिर उन्होंने इस पर पाबंदी लगा दी, जो उनके विसाल के बाद फिर आलम इस्लाम तक ये अल्फाज उन जिन सहाबियों की रवायत के मुताबिक आगे उम्मत तक पहुँचे।